आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने कार्य को प्रारंभ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्न आसुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्यों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके आज और भी बच गए हैं ना, तो उन पांचों का क्या रूप होता है, क्या नाम होता है, उसकी पहचान करवानी बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि आपने गायन सीखना है, जैसे ना संगीत में तीन कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, जैसे साइंस में तीन होती है ना, जैसे बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, है ना। तो इसी प्रकार गायन संगीत में भी तीन होते हैं, गायन, वादन और नृत्य। कई कई बार हमारे संगीतकार पूछ रहे थे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ म्यूजिक, सिंगिंग, प्लेइंग एंड डांसिंग। संगीत की परिभाषा ये है कि गायन, वादन और नृत्य। तो हम आपको गायन और वादन के बारे में बताने जा रहे हैं कि गायन में तो हारमोनियम आ ही जाता है, तो और जब आप गायन सीखेंगे तो उसके लिए हारमोनियम सीखना बड़ा ज़रूरी है, और जब हारमोनियम सीखेंगे आप तो हारमोन का परिचय बड़ा ज़रूरी है। तो इसके लिए बेटा आपको इन स्वरों के बारे में नाउ सेकंड लेसन सा सा रे रे गा गा मा मा प प द द। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल एंड आई एम आल्सो वेल। So today we have to start the dance class. Today we are going to start that Ganesh Vandana in the classical form. So let's start. Firstly, you have keep your both hand on your waist, keep out left leg, and the same time left hand should be in the right side. Your अदर हैंड यानी कि राइट हैंड आपका यहां रहेगा ऑन योर वेस्ट। यू हैव टू टर्न इन द फोर स्टेप्स, सी 1 2 3 4, और डायरेक्शन चेंज हो जाएगी आपकी, राइट हैंड लेफ्ट साइड आ जाएगा और कीप योर राइट लेग आउट, सेम 1 2 3 4, ये हाथ फिर वापस यहां आता है और हम फिर डायरेक्शन चेंज करते हैं। ये हमने 4 टाइम करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई एम डूइंग अगेन वन मोर टाइम, कीप योर लेफ्ट लेग आउट एंड योर हैंड शुड बी लेफ्ट हैंड शुड बी द राइट साइड, टर्न 1 2 3 4, चेंज द डायरेक्शन 1 2 3 4, change the direction 1 2 3 4, change the direction 1 2 3 4। ये हमने 4 टाइम करना है। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है जंप इन द। नाउ आफ्टर पेंटिंग द कलर वी विल कीप दिस थ्रेड इन द नोटबुक इन एनी डायरेक्शन इन एनी वे। ओके, put the thread and now we will close this notebook and we will press it and we will pull the thread slowly and yes, now we will see what happened. Let's open the notebook. There we have put the thread. Yes. See, this is the thread painting. We got our imagination. With the help of imagination, we can draw this picture. Okay. Yes. Tell me. The picture, which picture you get, yes?
letters of many types with the help of thread. Okay, so try it. लगाएंगे हम अच्छे से. ये देखिए हमने वो मिक्सचर भी अच्छे से स्प्रेड कर दिया है. इसके ऊपर हमने जो पोटैटो का मिक्सचर का रोल बनाया है, फिर हम इसके ऊपर ये रोल रखेंगे. और इसके ऊपर अगर हम सॉस लगाएंगे या कोई भी चटनी लगाएंगे वो ऑप्शनल है. आप कोई भी चटनी, शेजवान चटनी, गार्लिक और लाल मिर्च की चटनी, ग्रीन चटनी, कोई भी चटनी लगा सकते हो. इसके ऊपर हम टमाटो, अनियन, कुछ भी जो आपको पसंद है वो लगाइए. और इसके बाद लास्ट में हम इसके ऊपर चीज़ ग्रेट कर स्प्रेड करेंगे. ये देखो हमने ग्रेटेड चीज़ डाला है इसके ऊपर. Calligraphy is the art of writing. See, you might have written in many styles. It's nothing but writing in a very beautiful manner. This is all about calligraphy. That is, it's a beautiful art of writing. And you have the same font ABCD but in different styles. So, let's get started. First of all, you need to have a register, preferably classmate register. Because the pages of these register are very smooth, and then you have to use a calligraphy pen. These kinds of pens are easily available in the market with different kinds of names. There are 4, 6, and 8 attachments also with this pen. And one more thing which I wanted to add is that since we are going through a very tough time, I want all of you to be very optimistic. As we all Indians are very optimistic, we always find opportunity in every calamity. So since COVID-19 is a very big calamity we all are facing, so let's use this, change this calamity into a very good opportunity by learning calligraphy. So, and one more thing you need is a waist cloth. That's all. Let's get exercise for 2 to 3 pages. Since unless and until you perfect yourself in these exercises, we should not proceed to the letters. So you need to concentrate more on the exercises, because based on these exercises you can form all the letters. See, this is the first exercise. You need to do at least 2 to 3 pages. And remember that you need to use only one side of the page and you should not use the other side. This side must not be used. You need to use only the right hand side paper. Now this is your first exercise, and the second exercise will be, now you have to keep this pen exactly straight. Straight and same exercise, but the lines will be straight, not slanting. Straight lines. Remember students, you need to be very रखनी है. ये देखिए हमारी वेजिटेबल्स फ्राई हो गई हैं और हम अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं. अब हमने सॉस बनानी है. वाइट सॉस बनाने के लिए हमें 3 टेबलस्पून बटर लेना है. बटर को हम थोड़ा सा गर्म करेंगे. ध्यान रहे हमने बटर को मेल्ट ही करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना. बटर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए हमने ऑयल की जगह बटर ही लिया है. और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून मैदा. दोनों क्वांटिटी हमने सेम ही लेनी है और इनको अच्छे से चलाते रहना है. ये देखिए बटर और मैदा से येलोइश कलर हो गया है, लेकिन हमने इसको
अच्छे से चलाते रहना है, ज्यादा रेड नहीं करना है मैदा को हमने। फ्लेम हमने मीडियम स्लो ही रखनी है। ये देखिए बटर और मैदा को जब हम भूनेंगे तो इसका कलर भी वाइट आ जाएगा और इसकी कंसिस्टेंसी भी फ्लफी हो जाएगी। फिर हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे। 2.5 कप हमने दूध लिया है, सारा दूध एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा हम दूध ऐड करते जाएंगे और इसे चलाते जाएंगे। ये देखिए जो भी लम्प्स हैं वो हमारे मिक्स करने से वो लम्प्स ख़त्म हो जाएंगे। जब हमारा बैटर ये देखिए अच्छा स्मूथ सा बनने लग गया है तो हम इसके अंदर बाकी का सारा दूध डालकर इसे मिक्स करेंगे। ध्यान रहे हमने सॉस को गाढ़ा नहीं करना है और बहुत पतला भी नहीं रखना है, गाढ़ा करेंगे तो अच्छा नहीं बनेगा। फिर हम इसके अंदर थोड़ा नमक ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली फ्लेक्स ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर पाउडर डालना है इसमें और 1/2 टीस्पून ही मिक्स्ड हर्ब्स डालेंगे। अगर ये नहीं है घर पे तो आप स्किप कर सकते हो, ओरिगैनो या कुछ और भी, ओरिगैनो और कुछ और डालना चाहो तो आप वो भी डाल सकते हो। फिर हम इसके अंदर द अपर वन विद फ्री हैंड इज वेरी ब्यूटीफुल, नॉट दिस वन, इट इज समवट हार्श मूवमेंट ऑफ आवर हैंड, सो दिस इज रॉन्ग, यू मस्ट नॉट यूज डू लाइक दिस। ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लेटर, इट्स जी, it's g, g is somewhat like c, first a crescent shape moon, same the second exercise, same here, everything is same till here. Now the only difference with between c and g is here you have to make a upward stroke, small upward stroke slanting, bring it down till here and make a small wave. This is G. So first a crescent shape moon and this shape it's like C only except with the one difference. 10 minutes ke liye medium flame par रख देंगे। जब तक हमारा कुकर गरम होता है तब तक हम अपना बैटर रेडी करते हैं। ये देखो हमने बिस्किट्स के पाउडर को अच्छे से मिक्स करना है, इसके अंदर जो क्रीम है उसका मॉइस्चर निकल जाएगा। हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है और इसके अंदर 1/2 कप पाउडर शुगर ऐड करनी है। फिर हमने 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करना है और इसको बहुत अच्छे से, ठीक है, उसके बाद फिर से दोबारा आएगा बरसा हुआ से ही मानस चिंतन आना, पहली 3 बार इधर आएगा और 3 बार इधर आएगा, फोर्थ में 3 बार इधर था, 2 बार इधर था और इस बार फिफ्थ ताल में 3 बार इधर होगा और 3 बार इधर होगा। इसके बोल है सी अगेन अपर स्ट्रिंग इज सा, लेफ्ट द वन फ्रेट, सेकंड इज रे, देन लेफ्ट द वन फ्रिंग, नेक्स्ट इज गा, फिर साथ में इसके मा, देन लेफ्ट वन पा, वन लेफ्ट धा, वन लेफ्ट नी एंड सा, सेम ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, सा नी धा पा मा गा रे सा, दिस इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट लेसन फ्रॉम फर्स्ट स्ट्रिंग्स। सी अगेन सा ओपन, सेकंड फ्रेट रे, लेफ्ट वन गा, फिर मा, लेफ्ट वन पा, लेफ्ट वन धा, लेफ्ट वन नी एंड देन सा, देन स्टार्ट डिसेंडिंग ऑर्डर,
सा नी धा पा मा गा री सा. सो प्रैक्टिस इट. थैंक यू. सुप्रभात प्यारे बच्चों. पूर्व की भांति हम मनोहर वेद मंत्रों का पठन पाठन करते चले जा रहे थे, ठीक उसी प्रकार विभिन्न क्रियाकलाप. हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल प्ले ढोलक विद द लेसन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट लेसन. सी share with you recipe of instant pizza. This sleeping, standing. I'm taking green color. द ठीक है. ध ध के लिए क्या है? कलर. फोर्थ थंब इम्प्रेशन. यस, पुट द थंब इम्प्रेशन लाइक दिस. यस, टेक द कलर एंड थंब इम्प्रेशन इन दिस वे. नाउ अगेन टेक द कलर. यस, एंड पुट द थंब इम्प्रेशन इन अ सेमी सर्कल. There should be a proper gap between these. और इस कलर को यहाँ पे हम ऐसे लगा देंगे. ओके, फिर लगाओ. यस, फिर डिप करो. इसके बाद हम फिर डिप करेंगे, फिर लगाएंगे ऐसे. ओके, यस, देखो कितना सुंदर ट्री बन गया. इसका प्रिंट देखो, बन गया ना. इसे हम कहते हैं. इम्प्रेशन ऑफ बॉटल. यस, पुट द अगेन इम्प्रेशन ऑफ बॉटल. मल्टी शेड्स. ओके, फर्स्ट आई एम टेकिंग द ग्रीन कलर एंड painting this thread with green color. Okay, yes. Now I am taking another color. Yes, this is pink shade.